यस सर। भाई मेरे इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? और इंडिया का नंबर वन स्टूडेंट कौन है? 28 अक्टूबर की बैच। वेरी गुड, 28 अक्टूबर की। हेलो, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, मैं से टेलीकॉम से दुर्गेश और आज हमारा फेयरवेल का डे है। तो हम यहाँ पे हमारे साथ मिलन सर भी हैं और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट भी हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इनका थ्रू आउट वन डे से लेकर के आज लास्ट डे तक कैसा इनका ओवरऑल रहा। तो ये हम स्टूडेंट से पूछेंगे क्योंकि देखिए जो स्टूडेंट यहाँ पे जब इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो एक बहुत हॉब रहता है कि हम वहाँ पे जा रहे हैं कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं। तो आज इनका फाइनल डे है तो हम देखेंगे और इनसे पूछेंगे भी फाइनली कि इनसे जो चीज़ ये आप सोच करके आए थे ये पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो अपना नाम और कहां से आप? मेरा नाम अमित है, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूं। आपका नाम? हेमंत रथ है, ओडिशा से हूं सर। चलिए तो आप हेमंत जी? अमित। अमित जी, तो अमित जी आप हमें बताइए फर्स्ट जब आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए थे तो क्या सोच के आपने ज्वाइन किया था? सर मैं तो सोचा था कि कुछ तो सीखूंगा, इतने साल से मैं काम करता था तो ऐसा फील होता ही था कि रिपेयरिंग मैं करता हूँ या कुछ मोबाइल अच्छे से बना पाता हूँ। जो बन जाता था बन जाता, नहीं बनता बहुत रिटर्न करने पड़ते थे। तो मैंने जब फेसबुक में यूट्यूब में देखा, यहाँ का देव सर के बारे में देखा, मिलन सर, दुर्गेश सर के बारे में जब पूरा डिटेल स्टडी किया यूट्यूब फेसबुक से, तो आने का छोटी सी टीम है कि बहुत बड़ी टीम है? यहाँ पे छोटी बोलो बड़ी बोलो सफिशियंट, मतलब प्रॉपर है, जैसे रहनी चाहिए उतनी है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, इतनी होनी चाहिए। ओके, अगर मैं बात करूं आज जो फर्स्ट डे आपने देव सर के साथ कैसी रही आपकी क्लास? फर्स्ट डे सर तो क्या बताऊं आपको, मैं मतलब पूरा मेरा दिमाग हिल गया कि इतनी भी कुछ होते हैं मोबाइल में, इतनी भी मतलब डीपली कोई नॉलेज भी दे सकता है, होती भी है। मेरे को तो पता ही नहीं था, ना यूट्यूब में कहीं नहीं देखा था, ना फेसबुक में, ना कहीं गूगल में, जो एक ही दिन में देव सर ने मुझे नॉलेज दे दी थी, मतलब हम सबको नॉलेज दी थी। जो तो हार्डवेयर सेक्शन कैसा रहा, डायग्राम का नॉलेज और यहाँ पे फाइंड फोल्डिंग हुआ? सब पूरा बहुत ही बेहतरीन था, लाइव प्रैक्टिकल विद थ्योरी के साथ, फिर प्रैक्टिकल 8-8 घंटे तक प्रैक्टिकल हमने किया है, थ्योरी पढ़ाया 5-6 घंटे कंटिन्यू, और नॉन स्टॉप किया, ऐसा नहीं कि रुका है, ब्रेक लिया है, कंटिन्यू पढ़ा है और डीपली पूरा पढ़ा है, ऐसा नहीं कि कोई पॉइंट कहीं छूटा है। उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर की क्लास ज्वाइन की तो कैसा रहा सॉफ्टवेयर का? सॉफ्टवेयर में तो मत पूछो सर, उसका तो ऐसा था कि मतलब हमको एक एक एरर के बारे में ऐसे जानकारी दी गई जो हमने कभी देखी भी नहीं थी, जो हमारे पास होता था इन फ्यूचर कभी मतलब आता है दुकान में, हम कभी पकड़ नहीं पाते क्यों आ रहा है वो एरर। यहाँ पे एक एक सेकंड में उस एरर के बारे में हमको पूरा डिटेल बता दिया गया कि ये एरर आएगा तो क्या करना है क्या नहीं करना है उसमें। चलिए उसके बाद फिर आपकी मिलन सर के साथ क्लास हुई MMC क्लास, जिसमें आपका ब्लैक पेस्टेड डुअल टेकर और MMC रीप्रोग्रामिंग, तो कैसा रहा मिलन सर के साथ? सर वो तो ऐसा था कि हम लोगों ने कब देखते थे तो डर लगता था, यूट्यूब वीडियो का देखते थे तो कैसे निकालते हैं क्या करते हैं, ऐसा लगता कि हमको सीखने में साल भर लग जाएगा उस चीज़ को, लेकिन मिलन सर ने जो हमको 5 दिन में पूरा हाथ हमारा ऐसा फ्री कर दिया, ऐसा नॉलेज दे दिया कि अब तो ऐसा लगता है कि मतलब कुछ है ही नहीं, डुअल टेकर रहे या पेस्टेड रहे या नॉर्मल रहे। UEFI के बारे में, इंटरफेस के बारे में जानते थे इससे पहले? नहीं सर बिल्कुल नहीं जानता था, बस जो भी आपको रीड राइट हो, कैसे रिपेयर करना है, कैसे हेल्थ रिपेयर करना है, सारा सर ऐसा जो एरर्स जो ऐसा था सर कि मतलब अगर महीने भर भी कोई बैठे कहीं पे तो भी नहीं सीख पाएगा, जो हमने 5 दिन में मिलन सर ने पूरा विद प्रैक्टिकल विद थ्योरी पॉइंट टू पॉइंट लिखा के हमको पूरा सिखा दिया आज, एक मतलब 5 दिन के अंदर पूरा। ओके चलिए ठीक है, नेक्स्ट मिलन सर पूछेंगे कि इनका थ्रू आउट कैसा रहा। हमारे साथ एक और एक स्टूडेंट है, ये उड़ीसा से है। मैं ज़्यादा पूछूंगा नहीं, सिर्फ इनका थ्रू आउट पूछूंगा कि शुरुआत से लेकर आखिर तक का स्टेप बाय स्टेप ये बताएंगे, हमें कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं होगा, और ये क्या बोलते हैं देखते हैं, बताइए। सर मैं बोलना चाहता हूँ सर, पहले तो मैं कंपोनेंट के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं था, उसका काम क्या है उसका भी नॉलेज नहीं था बिल्कुल। तो सर रजिस्टर डायट जो भी है सब कंपोनेंट क्लास हुआ, पहला दिन से शुरुआत हुआ, उसके बाद CPU रिवॉल्विंग, MC रिवॉल्विंग, अपना पावर AC रिवॉल्विंग, माउंट रिमाउंट सब A to Z क्लास हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ सर, जितना सोचा था उससे लाखों गुना ज़्यादा मिला मेरे को, क्योंकि नॉलेज जितना मिल रहा है सर इधर, शायद ही कोई 15-20 साल में मैं उतना नॉलेज नहीं गेन कर पाएगा जो कि 1 महीने में हमको मिला है। तो सर सारे टीचर्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एशिया टेलीकॉम टीम पूरा बहुत, जैसे 5 इन्फिनिटी स्टोन जो बोलते हैं सर, इन्फिनिटी स्टोन, देव सर, मिलन सर, दीपक सर, दुर्गेश सर, MD सर, सब 5 इन्फिनिटी स्टोन, 5 इन्फिनिटी स्टोन है, और 5 तत्वों से जैसे पृथ्वी बनता है उसी 5 तत्वों से ऐसे टेलीकॉम बना है, और बहुत ही खुशनसीब हूँ जो मैं ऐसे टेलीकॉम में आया और पढ़ाई किया, उनका स्टूडेंट बना, मेरे को बहुत खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ मैं, और आगे जाके मैं तो बहुत बड़ा बनने का मेरा आशा है, और जो कि पूरा होगा, और
बैकअप क्लास का भी बहुत अच्छा है, जो बाई चांस मैं कहीं पे अटक जाऊंगा तो भी सर लोग का सपोर्ट मिलेगा मेरे को, वो भी बहुत अच्छे है सर का। उसके बाद पंचुअलिटी डिसिप्लिन सब अच्छे हैं, सब ए टू जेड, कोई भी बुराई आप ढूंढ नहीं सकते, सब ए टू जेड अच्छे हैं। और पढ़ने के मामले तो शायद इंडिया में कोई होगा, और जो तीन तीन बुक लिख चुके हैं देव सर, उनके लिए तो क्या ही बोलूँ, वो भगवान ही है सर, मोबाइल लैंड में भगवान वही है, देव सर ही है। नेक्स्ट मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आपने हार्डवेयर ज्वाइन किया उसके बाद सॉफ्टवेयर ज्वाइन किया, सॉफ्टवेयर में कैसा रहा आपका? सॉफ्टवेयर तो सर मेन चीज़ जो एसपी प्लस जो भी प्लस टू ले और लगाते थे हम, लगाते के बाद जो चल गया नहीं, जो एरर आ जाता तब अपना दिल धड़क जाता था, क्या होगा उसके बाद, क्या करना है क्या नहीं, अगर रिटर्न कर देते थे तो। अभी सर एक एक चीज़ बताएं, क्या एरर करने से, क्या आने से, क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, सब एरर को डिफाइन किए हम, सब एरर को सॉल्व किए, उसके बाद सॉफ्टवेयर ए टू जेड ओके हो जाता। सॉफ्टवेयर के बाद आपने ईएमसी ज्वाइन किया, ईएमसी के बारे में क्या बोलेंगे? तो सर जैसे नया शहर में आके अकेलापन जैसे पड़ जाते हैं ना, वैसे इंटरफेस देख के अकेले अकेला लगता था, मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा था, सब अनजान लग रहा था। जैसे मिलन सर ने बताया ए टू जेड जो जो किसका क्या काम है, और प्रोग्रामिंग ए टू जेड प्रोग्रामिंग करना सिखाया, वो तो नेक्स्ट लेवल है सर। ईएमसी चेंज कर पाएंगे? हाँ, अपग्रेड कर पाएंगे, ईएमसी चेंज कर पाएंगे, सब ईएमसी रिलेटेड सब ए टू जेड बना पाएंगे आप। और बाकी डबल डेकर के बारे में क्या ख्याल? डबल डेकर सर मक्खन हो गया, बर्थडे केक टाइप का, मैं तो बोल रहा था बर्थडे केक जैसे काटते हैं वैसे काटना है, अभी बस जाके काम धुआं मचाना है बस। अभी आपकी घर जाने के बाद आपकी प्लानिंग क्या है? सर मैं तो पहले अपना हैंड स्किल और इम्प्रूव करना चाहूँगा, क्योंकि ये फील्ड में हैंड स्किल ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, कंपोनेंट हट जाएगा तो सर मोबाइल डेड, तो इस हिसाब से हैंड स्किल ज़्यादा बढ़ाऊँगा। लगभग मेरा सारा इंस्ट्रूमेंट मतलब सेटअप सब है, बाकी थोड़ा बहुत जो नहीं हो इधर से लेके जा रहा हूँ, और हैंड स्किल बढ़ाऊंगा और स्टडी करूंगा, जितना भी पढ़ाएगा उसके ऊपर बहुत स्टडी करूंगा। और दूसरी बात आपको एक बात और पूछूंगा कि यहाँ पे सिर्फ पढ़ाया जाता है कि उसी चीज़ को लाइव प्रैक्टिकल किया जाता है? सर 14 घंटा पढ़ाया जाता है, 6-6 घंटा 7-7 घंटा प्रैक्टिकल थ्योरी सब होता है सर। लाइव प्रैक्टिकल रेडी होता था कि नहीं होता? हाँ लाइव रेडी होता था सर, लाइव होता था। हाँ हमारा बहुत सारा सेट भी था और हमारे सामने लाइव प्रैक्टिकल किया गया सब। चलिए थैंक यू वेरी मच, और आशा करता हूँ आप आगे चलकर बहुत अच्छा काम करेंगे, अपना खुद का नाम रोशन करेंगे अपने एरिया में, पूरे इंडिया भर में, और इसे टेलीकॉम आपके साथ लाइफ टाइम जुड़ा हुआ है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेक कर सीपीयू को मतलब जो है निकाले, और उसके बाद रिवॉल्व भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया? सर डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। टी सीपीयू भी किया, लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल टेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए? सर डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना आपने, लास्ट डे क्या किया? डबल टेकर सीपीयू करके गए। जाता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया? सर डबल टेकर सीपीयू के सर रिबोल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस ये सारी चीज की, ये आपने किया, सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल टेकर किया मैंने, ओपनिंग क्लीनिंग और रिबॉलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताओ? आज हमने डबल टेकर किया सर। डबल टेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज से क्या करवाया? डबल टेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल टेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल टेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस स्टेंसिल से किया आपने? यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता। आज आपने क्या किया? कर डुअल टेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज डबल टेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने